बातों की सब कुछ महसूस होगा। तुम्हें तो मैं इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूंगी। मुर्तसिम, अगर ये तुम हो तो बहुत फजूल मजाक। सीरियल थेरेपिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देखकर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेपिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देखकर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है।
ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी, तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे
कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तज़िम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तज़िम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तज़िम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तज़िम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है कि जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तज़िम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तज़िम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तज़िम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तज़िम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तज़िम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तज़िम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तज़िम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तज़िम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तज़िम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफज़दा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तज़िम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तज़िम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तज़िम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए
जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया तो। जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। हेरा अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। हेरा अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। हेरा अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। हेरा अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है।
ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरबा और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे
कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए,
जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरन करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तसिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तसिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा कि अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे, कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तसिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर, और कहती है कि मुर्तसिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है।
ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर हराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर हराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर हराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाए, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर हराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम भी इनको समझा रही है कि तुम मुर्तजम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है, जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे
कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है डरते हुए और जोर जोर से पुकारती है कि कौन है ऊपर और कहती है कि मुर्तजिम अगर ये तुम हो तो ये बहुत फजूल मजाक है। ड्रामा सीरियल थेरेबिन के अगले कस्ट में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ तो मीरब और मुर्तजिम के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हाया अपने चालों चलने में मसरूफ है। पहले तो इन दोनों के डिनर खराब करने के लिए लाइट ऑफ कर देती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अपने कमरे से देख कर रोना डाल रही है। तो मरियम मीन को समझा रही है कि तुम मुर्तजिम भाई को अपने दिल से निकाल दो क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, जिस पर वो और बहुत ही ज्यादा रोती है कि मेरा दिल तो वीरान हो जाएगा, क्या अगर मैंने उसको दिल से निकाल दिया। तो जवाब में मरियम कहती है कि वीरान करने तो दो, कोई और आकर तुम्हारे दिल को आबाद कर देगा। तो शादी करने वाली हया कहती है कि ये दिल है मेरा, कोई किराए का मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दिया। फिर अपने चाली चलने के लिए वो रात के वक्त का इंतखाब करती है जादूगर ने बताई हुई चीजों पर अमल किया जा सके। जब मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो इसको डराने के लिए काली चादर लपेटे का भी नीचे कभी नीचे भागती है और कभी ऊपर भागती है। मीरब मुर्तजिम के एक बार मजाक में डराने की वजह से खौफजदा थी तो वो इन साइयों को देखकर परेशान हो जाती है और वो सीढ़ियों